नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज सेहत के साथ मैं हूँ वर्ष कुमारी। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3 लाख पहुंचने वाला है और कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ संक्रमित मरीजों में इस तरह के किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने का कोई वैक्सीन तैयार ही नहीं हो पाया है, या यूं कहा जाए सरल भाषा में कि कोई टीका अब तक नहीं बन पाया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से थोड़ी सी सावधानी से इसको हराया जा सकता है, साथ ही अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत कर इस वायरस को मात दी जा सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे हम सभी इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वास्थ्य सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च यूनिट के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बीएस ओहरी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोरोना COVID-19 ने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कहर बरपा के रखा है। क्या है ये COVID-19 और किस तरह का ये कोरोना वायरस है? देखिए, ये तरीका वायरस है और कोरोना वायरस पहले भी होता था, लेकिन ये जो इसका स्ट्रेन है इसको बोलते हैं COVID-19। और ये एक इसके कारण से एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, यानी सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर हम COVID-19 या कोरोना वायरस के ही बारे में अगर हम बात करते हैं तो आखिर कैसे फैलता है, और अगर सरफेस पे ये कहा जाता है कि ये मतलब ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन होता है, तो ये सरफेस पर किन किन सरफेस पे ये सबसे ज्यादा देर तक जीवित रहता है और कितनी देर तक ये जीवित रहता है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके संक्रमण या फैलने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और दूसरा है कॉन्टैक्ट, और तीसरा है एरोसोल। तो जो ड्रॉपलेट होता है, जब हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ कण ऐसे बलगम के, कफ के, वो नेचुरल वे में बाहर आते हैं, लेकिन जब हम खांसते हैं तो ये ज्यादा ड्रॉपलेट बाहर आते हैं। तो जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति या पॉजिटिव व्यक्ति खांसता है तो उसके कफ में, उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनमें वायरस होता है, वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। और इसका रास्ता दूसरे को जब प्रभावित करता है, इसका रास्ता नाक और मुंह होता है। नाक, मुंह और आंख, 3 रास्तों से ये किसी भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकता है। तो पहला फैलने का कारण होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसी, सर्दी, जुकाम, छींकने खांसने से। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट से। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है कोरोना संक्रमित पीड़ित और हम उससे उसके संपर्क, क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, एकदम से निकट संपर्क में आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उसके चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उसके कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसके तौलियों को इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी चीज को जिसमें वायरस की प्रेजेंस है, तो वो हमको लग सकता है। तो इस प्रकार से छुआछूत या कंटेजियस इन्फेक्शन होता है। तीसरा होता है हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर, नर्स इत्यादि जो गंभीर रोगी का उपचार करते हैं सक्शन मशीन से या वेंटिलेटर से, तो उनको भी संक्रमण एरोसोल के जरिए हो सकता है। तो ये 3 ही तरीके हैं जिनके कारण से ये वायरस दूसरे को फैल सकता है। और लेकिन इसमें ऐसा कदापि नहीं होता है कि जैसे एक किसी घर में कोरोना का पेशेंट है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके घर से उड़ करके वायरस किसी पड़ोसी के घर में नहीं जा सकता है,
ना हवा से या फैल करके पूरे सोसाइटी पूरी कॉलोनी को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हमें अपने को कोरोना से भयभीत हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मरीज के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक ये बीमारी हमको नहीं हो सकती। डॉक्टर ओरी, क्योंकि कोरोना को ग्रुप ऑफ वायरस कहा जाता है, व्हाई वी कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ वायरस? एक्चुअली इनके स्ट्रेन्स होते हैं, टेक्निकली माइक्रोबायोलॉजिकली स्ट्रेन्स होते हैं, और ये वायरस अपना जो जेनेटिक कैरेक्टर है ये बदलता रहता है, और ये जो स्ट्रेन है पर्टिकुलर जो वुहान से ट्रांसमिट हुआ है चला है, और तो ये इस ग्रुप को कोरोना कोविड 19 नाम दिया गया है, और ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये इसका संक्रमण तेजी से फैलता है, लेकिन इसमें एक हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हम इसको फैलने से रोक सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती हैं हमारे सोसाइटी में होती हैं, हमारे भाई बंधुओं को, हमारे घर में अगर किसी को है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है या हेपेटाइटिस बी की बीमारी है या हेपेटाइटिस ए की बीमारी है, और जो भी स्किन की कंटेजियस बीमारी हो सकती है, ये उस प्रकार की बीमारी नहीं है, हम अपने आप को संक्रमित होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर ओहरी हमारे साथ इस वक्त अहमदनगर महाराष्ट्र से हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं दादा उबाले जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबाले साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। दादा उबाले जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मैडम आ रही है। जी स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ऐसा है कि जिस कोरोना वायरस मरीज को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जाता है, उस कोरोना वायरस के मरीज को फिर से कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बताइए सर। ये देखिए अपने देश में इंडिया में अभी ये देखा जा रहा है कि एक बार निगेटिव हो गया कोई पेशेंट तो वो दोबारा उसको रिकरेंस बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, नहीं हो रहा है अपने यहाँ, ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं अपने यहाँ, तो आप ये मान के चलिए कि नहीं होगा। तो उबाले जी आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि जो एक बार जिसमें ये कोरोना की पुष्टि हो गई है, दूसरी बार उसको कोरोना नहीं हो सकता है, निश्चिंत रहिए। निगेटिव होने के बाद अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिचित है तो उनसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कॉल करने के लिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आप इस वक्त अपने जो टेलीविजन सेट पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप डॉक्टर बीएस ओहरी साहब से आप पूछ सकते हैं कोरोना से जुड़े हुए तमाम सवालों को। डॉक्टर ओहरी आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के आखिर क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि अमूमन अभी हमने हाल ही में देखा है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और ये कोरोना आया है, जिसको भी सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, जरा सी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो कोरोना ही समझ रहा है और जा रहा है कि भाई चेकअप करवा रहा है और यही मान के चल रहा है कि उसको कोरोना हो गया है। देखिए इसके मुख्य लक्षण हैं गले में खराश, खांसी, गले में दर्द, सर्दी जुकाम, बुखार, ये इनके प्रमुख लक्षण होते हैं। इस प्रकार के लक्षण और वायरल इन्फेक्शन में भी, जैसे आपका कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो सांस की जो लंग्स की या गले की जो कई बीमारियां हैं उनके इससे लक्षण मिलते जुलते हैं, और लेकिन हमारे को अगर कोई लक्षण इस प्रकार से हैं तो हमको भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ये कोरोना होने के जमाना जो अभी है उसके पहले हमको सर्दी जुकाम बुखार पहले भी आते थे, लेकिन हम पहले डरते नहीं थे, लेकिन अभी भी हमको समझदारी, अगर हम ध्यान रखें इस बात का कि हम लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए, पेशेंट्स के कांटेक्ट में नहीं आए, तो अगर सर्दी जुकाम हमें है तो हमें कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतना ही होगा, डॉक्टर ओहरी आप लोगों को बता ही रहे हैं।
जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके परिणाम आखिर क्या क्या है और किस तरह से मतलब और ज्यादा बचाव देखिए, मैंने इसमें दो हमारे फेवर की बातें हैं मनुष्य के, समाज के, हमारे लिए। पहला तो इससे हम बच सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इनको हम रोक ही नहीं सकते। अगर हमारे जेनेटिक्स में है, हमारे माता पिता को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर रहा तो हमको हो जाता है, ठीक है, तो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। लेकिन इसमें हम सावधानी बरत करके अपने को संक्रमित होने से रोक सकते हैं। और एक बात तो ये अच्छी बात ही है, दूसरी अच्छी बात ये है कि 85-90% लोगों को या तो सिम्टम नहीं हो रहे या सिम्टम हो रहे हैं तो हल्के फुल्के हो रहे हैं, और जिसमें किसी भी उपचार की आवश्यकता नहीं होती। हल्का फुल्का बुखार है तो हमें क्रोसिन की, पैरास्टामॉल की गोली हमारे को फायदा कर सकती है, एंटी एलर्जिक है या कफ सिरप हमको फायदा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो बीमारी 90% अपने आप ठीक होती है तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर है करीब 5-10% लोगों को उसमें सांस की तकलीफ, न्यूमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी फेलियर इत्यादि हो सकता है। लेकिन ये उनको होता है ज्यादा जिनको पहले से कोई बीमारियां, क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक इलनेस मतलब डायबिटीज, क्रॉनिक इलनेस मतलब हाई बीपी या हार्ट की डिजीज। इन क्रॉनिक इलनेस से हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे हमारी किडनी हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, सब में हमारे जो खून की नलियां होती है, वैस्कुलर सिस्टम होता है, वो प्रभावित हो जाता है और हमारे अंगों में डैमेज होना चालू हो जाती है। तो अगर हमारा हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे वीक हैं, तो ऐसे में यदि किसी भी कोई भी इन्फेक्शन हमें होगा तो उसका हमारे ऊपर असर ज्यादा होगा, उसके कॉम्प्लिकेशन और मृत्यु भी हो सकती है इसमें। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी, हाउ टू बिल्ड, कैसे हम इम्यूनिटी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से कोरोना के साथ साथ जो दूसरी अन्य जो वायरल बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। देखिए, सबसे जरूरी ये है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए हमारा वातावरण स्वच्छ चाहिए, हमें हमारा पर्सनल हाइजीन हमारी अच्छी होना चाहिए, साफ सफाई हमें रहना चाहिए, और उसके पश्चात हमारा भोजन जो है वो हमारा वेजिटेरियन भोजन होना चाहिए, हमको सब्जियां विभिन्न प्रकार की लेना चाहिए, फल अगर हम खा सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं, इंद्रधनुष का कलर अगर आप अपने ध्यान करें तो जितने रंग इंद्रधनुष में होते हैं उतने रंग की सब्जी और अगर फल हम उनका सेवन करेंगे तो इनमें सब में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से हमारे शरीर का स्ट्रेस लेवल, हमारा हमारे ऊपर जो तनाव होता है वो तनाव का लेवल कम होता है और हमारी ब्लड शुगर कम होती है और हमारी आपका हाई बीपी भी हमारा कंट्रोल होता है केवल डाइट से, ठीक है। तो जब डाइट से हमको इतना ताकत मिलती है तो हमको हेल्दी डाइट लेना हमारी इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। अब इसमें विशेष चीजें जो है खाने में, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको फायदा कर सकती हैं, हमारे जो रोजमर्रा में जो हमारा अदरक होता है या लहसुन हो सकता है, लौंग हो सकता है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इनमें। और इसके अलावा जो कलर्ड और खाने की चीजें होती हैं, आपका आम हो गया, अनार हो गया, पपीता हो गया, इनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जितने भी हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे और उतना हमारा इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और हम प्रोटीन डाइट भी लें, विटामिन सी है उसको लें, जिंक करीब 20 से 50 मिलीग्राम प्रतिदिन लें, लंबे समय तक लेने की आवश्यकता नहीं है, ये महीने 15 दिन में ही हमारे को उसका फायदा होगा। विटामिन सी रोज लेना चाहिए, नींबू का सेवन अपन सलाद में लें, सब्जी में लें, दाल में डाल के लें, या विटामिन सी की गोली ले सकते हैं, विटामिन ए बच्चों को दिया जाए, जिंक दिया जाए, विटामिन D3 का सैशे उसको हफ्ते में एक बार लें। तो ये सारी चीजें अगर हम लेंगे, अच्छा, और कुछ नहीं तो गरम
पानी, गर्म पानी से बेहतर ये है कि दिन में 3 बार आप ग्रीन टी ले या गर्म चाय ले, उसमें अदरक डाल ले, दालचीनी डाल ले, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स है और इन सब से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे को डायबिटीज की बीमारी है, अगर हमको शुगर क्या बोलते हैं हाई बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, इवन कुछ और सीरियस चीजें हैं कैंसर इत्यादि की, तो हमें इन सब चीजों को कंट्रोल करना आवश्यक होगा। शुगर को कंट्रोल करा जाए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा जाए। तो अगर हमारी शुगर बढ़ी रहेगी तो हमारा इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है, अगर हमारा बीपी बढ़ा रहेगा तो इन्फेक्शन हमको ज्यादा असर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बीमारियों को हम नियंत्रित करें अपने। अच्छा, इसके अलावा हमारे को बॉडी में इम्यून सेल्स जो हैं वो अगर हम प्राणायाम करते हैं प्रतिदिन या हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है फिजिकल एक्टिविटी, हमें वॉकिंग वगैरह, हमारी जो माइल्ड एक्सरसाइज है वो हमें निरंतर करना चाहिए। अब ये जरूर है कि अपन कोरोना काल में लोग बाहर घूमने नहीं जाएं तो अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी जहां वॉक कर सकते हैं डेली आप कम से कम आधे घंटे 40 मिनट जो है फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, मेमोरी भी अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और आपको अगर मरीज के कांटेक्ट में नहीं आते तो निश्चित आपको कोरोना की बीमारी नहीं होगी। नहीं होगी। डॉक्टर साहब, व्हाट इज द विटामिन ए डेफिशिएंसी, सी, क्योंकि समटाइम्स देखा गया है कि विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी देखी गई है बॉडी में, ए की, सी की, ई की, तो अगर इतनी सारी डेफिशिएंसी अगर इन विटामिन को लेकर अगर होती है बॉडी में तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स आने वाले वक्त में या इमीडिएटली दिखने लगते हैं? नहीं, देखिए ये चीजें आज नहीं, सबको पहले से डॉक्टर्स बताते आते हैं, लेकिन हो क्या जाता है कि जब तक लोग बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, संतुलित आहार नहीं लेंगे, दाल में खाने में आपको पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स लेना चाहिए, आपको खाने के पहले आधे घंटे पहले फ्रूट मिलना चाहिए, ठीक है, और आपको प्रोटीन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। प्रोटीन के सोर्स हैं अपने सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं, दाल है, चना है, मूंगफली है, आपके काबुली चना है, राजमा है, तो ये सारी चीजें प्रोटीन, मतलब आपको डिफिशियंसी ना हो, ये अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारे को विटामिन्स और मिनरल्स हमको मिलते रहेंगे। अब रहा सवाल विटामिन ए, अगर हम मिल्क लेते हैं, हम मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें कैल्शियम और विटामिन ए हमें मिलता है, और नॉन वेजिटेरियन को के लिए सोर्स ज़्यादा अच्छे हैं विटामिन ए वगैरह के, फिश वगैरह में विटामिन ए होता है। उसी तरीके से विटामिन डी भी आपको मिल जाता है डिफरेंट आपको पल्सेस दाल वगैरह में, और विटामिन सी का तो सबसे आसान सोर्स है, कोई भी जो रसदार फ्रूट है जैसे संतरा है, मौसम्बी है, सबसे अच्छा सोर्स है नींबू है, तो आपके थाली में खाने में नींबू और सलाद बहुत आवश्यक है। तो अगर आप ये सब लेते रहेंगे तो आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन क्या होता है कि जब इन्फेक्शन ज़्यादा फैला रहता है तो उस समय आपको सप्लीमेंट करना पड़ सकता है, अतिरिक्त मात्रा में आप को गोली भी लेंगे तो अच्छा है। विशेष तौर से आप अपने बुजुर्ग लोगों को घर में अगर उनको ये जिंक की टैबलेट्स हैं या विटामिन सी है या हफ्ते में का दिन D3 है, ये इनकी ये आप उनको देंगे 10-15 दिन के लिए तो उनके लिए बेहतर होगा। कोरोना को लेकर सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा डर फैला हुआ है, तो क्या वाकई में इतना डरना सही है? देखिए असल में क्या है कि डर के कुछ कारण हैं, विशेष कारण ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे मेडिकल सिस्टम का वो इतना प्रभावशाली नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि डरना इससे उचित नहीं है, क्योंकि जो बीमारी सावधानी रखने से नहीं होगी, जो बीमारी 90% अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो उससे हमें डरना क्यों चाहिए भाई। और दूसरी चीज ऐसा है कि अगर आप पेशेंट के, आपको इतनी सी बात कह रहे हैं कि अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो और वो संभावित हो या पॉजिटिव हो
तो हमें उसके संपर्क में नहीं आना है, ठीक है। लेकिन ये कतई सही नहीं है कि हम अगर कोई तकलीफ में है और वो पेशेंट भी है तो हम उसको मदद ना करें, या कई बार ऐसा हो जाता है जैसे किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो आप उसको पूरी हेल्प करिए, आप मास्क पहनिए, आप ग्लव्स पहनिए, उसको टच मत करिए, लेकिन उसका सहयोग जरूर करिए। और ये वातावरण भय का हमारे डॉक्टर्स को और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स को और इवन मीडिया को, आज आप हम देख रहे हैं कि रोज मीडिया में ये आता है कि आज इतने प्रभावित हो गए, आज इतने मर गए। अब आप जब रोज मरने की बात करोगे तो लोगों को डर लगेगा लगेगा भाई, मृत्यु दर हमारे यहाँ मुश्किल से 2% है। मतलब जो मरीज जिनका टेस्ट पॉजिटिव है उसमें से 3% की मृत्यु होती है, मतलब 100 अगर पॉजिटिव है तो उसमें केवल 3% की मृत्यु होती है। और हमारे यहाँ जितने टेस्ट किए जाते हैं, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 3-4% पॉजिटिव आते हैं, यानी 96% निगेटिव आते हैं लोग। तो इसमें डरने की कोई बात, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असल में रोज हम टीवी में यही सब देख रहे हैं बहुत दिनों से। हमें ये बताना चाहिए कि इतने लोग अच्छे हो गए, इतने लोग अब पूरे सरकारें, भारत सरकार सब लोग ये बोलते हैं कि भाई आप अगर लक्षण नहीं है तो घर ही में रहिए, आप आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। तो हिम्मत रखें और सावधानी रखें, समझदारी रखें, अपना डाइट अच्छा रखें, स्वच्छता रखें, अपने आजू बाजू और अपने शारीरिक स्वच्छता भी रखें। अब अगर कोई घर में ओल्ड लोग हैं उनको घर में रखें, उनका उपचार कराएं, और यदि कुछ लक्षण हैं तो डरे नहीं और आप डॉक्टर से संपर्क करें, 104 पे पूछ करके जाएं। कोई भी काम जल्दबाजी में कुछ नहीं होना आपको। हम लोग 3 महीने से कोरोना के लिए या जो भी काम है हमारे डिपार्टमेंट के, मतलब मेरी उम्र है 70 साल, मैं 3 महीने से एक दिन घर नहीं बैठा, रोज जाता हूँ मैं अपने काम पे। तो मुद्दा यह कि जब मुझको नहीं हो रहा कोरोना, या मेरे घर में जो पेपर बांटने वाले आ रहे हैं बेचारे, वो 3 महीने से मैं रोज पेपर देते हैं, हम रोज पढ़ते हैं, सफाई कर्मचारी बेचारे, कचरा ढोने वाले रोज हमारे घर से कचरा लेके जाते हैं, दूध वाला हमको रोज, वो कोई बीमार नहीं हो रहे। आप उनको देखिए और हमको देखिए, डॉक्टर लोगों को जो रोज हम लोग काम कर रहे हैं, प्रेरित होइए। कम से कम सही बात को मालूम, अगर सही बात आपको मालूम होगी, नॉलेज होगा, तो आपके मन से डर निकल जाएगा। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना किस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? देखिए, ये ज्यादातर ओल्ड लोगों को प्रभावित करा, अभी तक जो डाटा है वो 50 से ज्यादा। लेकिन ये इसके लिए ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को नहीं हो सकता, या आपके क्या बोलते हैं यंग एज में नहीं हो सकता है। अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में कोई भी आयु वर्ग का रहता तो उसको हो सकता है, तो इसलिए सावधानी बरतना है। जिन्हें किडनी या लीवर जैसी बीमारियां रहती हैं, जो क्रॉनिक इलनेस जिनको रहती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ओल्ड एज में हमारी प्रतिवर्ष जो है इम्यूनिटी हमारी कम होती जाती है। और कोरोना के इलाज के लिए किससे संपर्क किया जाए, कैसे? देखिए, कोरोना की बात नहीं हो रही है, पहले तो आपको लक्षण होंगे सर्दी, जुकाम, खांसी और ये सब, तो ये आपको सामान्य तौर में भी होते हैं। मैं एक चीज और आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि जब हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता था तो ये बोला जाता था कि सर्दी जुकाम 7 दिन में दवाई लेने में ठीक होता है, और बिना दवाई के 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो आज भी वो बात सही है कि बिना दवाई के 7 से 10 दिन में वैसे ही ठीक हो जाता है मरीज, ठीक है। तो आप डरे नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है, जरा भी शक हो अपने को तो हम संकोच न करें, 104 पे फोन करें, हम अपने संपर्क के डॉक्टरों से बात करें, उनसे फोन पे ही बात कर लें, और फिर जरूरी हो तो अस्पताल जाएं, और वहां पर आपका सैंपल मुंह का गले का स्वाब लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने में भी डरना नहीं है आपको। रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आप होम आइसोलेशन, अगर आपके घर में जगह है तो आप घर में रहिए, अलग से रहिए, मास्क लगा के रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। इसमें सबसे बड़ी सावधानी, आप सावधानियों के बारे में हम लोग बात नहीं करें तो मैं बताना चाहता हूँ सावधानी क्या रह सकते हैं हम। सावधानी ये है कि हमें SMS को याद रखना है। SMS आप लोगों ने सुना होगा, SMS कर दो भाई, मैसेज दे दो। तो S से है सोशल डिस्टेंसिंग, M से है मास्क, और S से है सैनिटाइजेशन।
तो सैनिटाइज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, SMS को याद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग माने दूरी बना के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, दूसरा मास्क को पहनिए, और तीसरा जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर का मतलब ये है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में हैं और जहां साबुन पानी नहीं है, ठीक है, तो आप जो भी सैनिटाइजर है जिसमें 70% 60% से ज्यादा एल्कोहल है, उससे हाथ को क्लीन करते रहिए, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर आप घर में हैं तो सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करिए। तो कोरोना हो या ना हो, हमेशा हमारे को ध्यान रखना, खाने के पहले, टॉयलेट के बाद हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। वैसे भी हमें दिन में कम से कम दो तीन बार, अगर कोरोना काल ना भी हो तो भी 2-3 बार साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए, साबुन से फेस वॉश करना चाहिए। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, सब लोग ध्यान रखते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हम लोग कोरोना अगर नहीं है तो आप लोगों ने देखा होगा जब बैंक्वेट होते हैं, शादी ब्याह का खाना होता है, तो कभी हमने नहीं देखा लोग खाना हाथ धो करके खाना खाने खड़े हुए हो, बिना हाथ धोए ऐसी खाना खाने खाना के लिए खड़े हो जाते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात और ये है कि स्कूलों कॉलेजों में सब कोई बोलते हैं हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, तो बच्चों को भी सोप लोशन उनके टॉयलेट में, वॉशरूम में उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारी चीजें सावधानी की है, और सावधानी अगर करेंगे अच्छा तो भी बचा जा सकता है। विशेष बात और आपको बता दें जी डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में क्योंकि समय बहुत कम है, कोई बात नहीं, कि इसके लिए हमें कोई विशेष स्पेसिफिक इलाज नहीं होता, वायरस का कोई इलाज नहीं होता। बहुत सी दवाइयां ट्रायल की हैं, कुछ दवाइयां सक्सेसफुल हुई हैं, लेकिन सामान्य चीजें ही इसमें ली जाती हैं। बुखार के लिए क्रोसिन है, आपके लिए कफ सिरप्स हैं, और आप नेबुलाइज कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं। तो ये अच्छा कुछ कभी कभी आप एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक वगैरह ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दवाई लेंगे, रेस्ट करेंगे और प्रॉपर डाइट लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। स्वराज सेहत में आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।